किसी को सफलता हासिल करने में लंबा संघर्ष करना पड़ता है तो कुछ लोगों को पलक झपकते ही सफलता मिल जाती है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भले लंबे समय तक असफलता से गुजरते आ रहे हों, लेकिन एक ही सफलता इनके सितारे पलट देती है। बॉलीवुड में इसके कई उदाहरण हैं। पिछले साल यानी 2023 में ही कई स्टार्स ने अपने करियर की नई पारी शुरू की। इसमें देओल ब्रदर्स का नाम भी शामिल है। 66 साल के सनी देओल ने तो 2023 में इतनी दमदार वापसी की कि पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस ही दहल उठा। जी हाँ, पिछले साल ही सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई थी, जिसने सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म को भी कड़ी टक्कर दी। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म करीब 60 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर जो जादुई कमाई की उसने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को तक हैरानी में डाल दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड कुछ 691 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। इस फिल्म के साथ सनी देओल ने एक बार फिर मनोरंजन जगत में हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन ये बात और है कि गदर 2 से पहले सनी देओल ने बैक टू बैक फ्लॉप की झड़ी लगा दी थी। सनी देओल की फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 22 सालों में करीब 30 फ्लॉप फिल्में दी, जिनमें ब्लैंक चुप, भैयाजी सुपरहिट, यमला पगला दीवाना फिर से, पोस्टर बॉयज, मोहल्ला 80, घायल वंस अगेन, आई लव न्यूयॉर्क, खुदा कसम, सिंह साहब, दी ग्रेट काफिला, फॉक्स, खुदा कसम, बिग ब्रदर, नक्शा, राइट या रॉन्ग, हेलो डार्लिंग, टॉली लाइट, हीरोज, तीसरी आँख, कूल एंड फाइनल, जो बोले सो निहाल, रोक सको तो रोक लो जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस बीच यमला पगला दीवाना और अपने जैसी फिल्में भी आईं जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करने में सफल रही। वहीं पिछले साल रिलीज हुई गदर 2 ने तो पूरे देश में ही गदर काट दिया। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच वही क्रेज देखने को मिला जो 2001 में गदर एक प्रेम कथा के रिलीज होने पर दिखा था। गदर 2 की सफलता ने सनी देओल को एक बार फिर सुपरस्टार बना दिया है। इस समय सनी के पास कई फिल्मों के ऑफर हैं, जिनमें वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे।